नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर बाराबंकी से। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। वहीं प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ प्रदेश में सरकार में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले के थाना कोठी के हल्का इंचार्ज पर बुजुर्ग महिला हसरतुल पत्नी स्वर्गीय शेर अली ने आरोप लगाते हुए बताया कि पीड़िता के माता पिता के स्वर्गवास के बाद मुन्ना पुत्र मोहम्मद अली ने अपनी दबंगई के बल पर उसके माता पिता की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहा, जबकि विपक्षी मुन्ना दो बार हैदरगढ़ व बाराबंकी से मुकदमा हारने के बाद हल्का इंचार्ज से साठ गांठ कर अवैध तरीके से जबरन पीड़िता की जमीन पर अपने जानवर बांध कर घर पर ताला बंद कर लिया है। पीड़िता ने तहसील दिवस से लेकर थाने तक दर्जनों शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोठी पुलिस ने एक न सुनी। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी बताया कि हल्का इंचार्ज और विपक्षी मुन्ना की सांठगांठ के कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता जब भी शिकायत लेकर थाने पहुंचती है तो हल्का इंचार्ज उसे थाने से भगा देते हैं। उसके बाद पीड़िता स्वयं थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। तब थाना अध्यक्ष कोठी मुन्ना सिंह ने बताया कि आप न्यायालय से लिखित ऑर्डर लेकर आइए, उसके बाद पुलिस आपको कब्जा दिलाएगी। आइए आपको सुनाते हैं बुजुर्ग महिला की जुबानी। कहाँ रहती हो? कोठी। किस चीज की शिकायत करने आई हो यहाँ? घर 20 साल से मुकदमा लड़ी थी, थाने आई तो छोटे दरोगा भगावत है, मारे दौड़त है, गंदी गंदी गाड़ी दिया था, हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे, ना सुनबा हुई पाल्टी से रुपया ले लिया था हमका भगावत, वो पाल्टी बोला उठता ही। तो मुकदमा आप जीती या नहीं? हम जीते हैं। तो उसके बाद यहाँ शिकायत लेके आए, इनको दिखाया? शिकायत लाए हैं तो हमारी नहीं सुनी जात, हमका भगावत है, गंदी गंदी गाड़ी दिया था। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद जुबेर की रिपोर्ट।